हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर के प्रोग्राम में स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो विश्वकर्मा योजना न्यूज़ में क्यों है और आखिर यह है क्या, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले समझते हैं विश्वकर्मा योजना न्यूज़ में क्यों है। देखिए, अभी हाल ही में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। यह योजना 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च की जाएगी। चलिए इस योजना को समझते हैं, यह योजना क्या है और इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है बेसिकली पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों विशेषकर ओबीसी समुदाय को लाभ देना है। साथ ही यह योजना श्रमिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े समुदाय, महिलाओं व समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सशक्त करेगी। इस योजना के द्वारा जो समाज का स्किल्ड आर्टिशियंस हैं लाइक वेवर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, लॉन्ड्री वर्कर्स और बार्बर्स, और इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने का काम इस स्कीम के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इस स्कीम में वेरियस एलिमेंट्स शामिल होंगे जैसे लाइक फाइनेंशियल एड, मॉडर्न एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड ब्रांड प्रमोशन, मार्केट कनेक्टिविटी, डिजिटल पेमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी। तो ये सारे एलिमेंट्स इस स्कीम में शामिल होने वाले हैं। इसका प्रारंभिक परिव्यय 13,000 से 15,000 करोड़ के बीच होने वाला है। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस योजना के द्वारा कारीगरों और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों की मदद की जाएगी। जितना भी पारंपरिक कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनकी समृद्ध परंपराओं को बनाए रखते हुए उनका विकास किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इस योजना के सिग्निफिकेंस के बारे में, इसका महत्व क्या है। तो विश्वकर्मा योजना के द्वारा यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके द्वारा जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट लाया जाएगा। यह योजना उनकी इनकम, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को एनहेंस करने में हेल्प करेगी। इसके द्वारा जितना जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं, उनको एक न्यू मार्केट मिलेगा। लाइक उनको दोनों डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट तक उनकी पहुंच होगी और इंक्रीज देयर कस्टमर बेस। इससे उनकी जो कस्टमर बेस है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। इट विल हेल्प देम टू preserve their identity, dignity and cultural heritage. तो यह उनकी पहचान, उनकी dignity और उनकी cultural heritage को संरक्षित करने में, preserve करने में भी help करेगी। It will contribute to the overall development of the rural economy and society. और इसके द्वारा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और समाज है उसका एक overall development हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं इस योजना को जितना भी successful government scheme रही है like जनधन योजना, PM स्वनिधि उज्ज्वला स्कीम, तो इन्हीं की तरह इस योजना को भी सक्सेसफुल करने का प्रयास किया जाएगा और इसके द्वारा जो आर्टिशियंस हैं, एग्रीटेक सेक्टर है उसको एम्पावर करने की पूरी कोशिश की जाएगी और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी एम्पावरमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो उसमें इस योजना के थ्रू उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा 15,000 ड्रोन और नेसेसरी ट्रेनिंग, जो भी उनके लिए ट्रेनिंग जरूरी है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी इस योजना के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, यह थी आपकी विश्वकर्मा योजना जिसको 15 सितंबर को लॉन्च किया जाना है और 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस योजना की घोषणा की है। और आपको बताते चले कि इस योजना को इस साल की शुरुआत में भी इस योजना की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान इस योजना को लॉन्च किए जाने की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, आज के इस एनालिसिस के साथ आप सभी के लिए एक जरूरी अपडेट है। सिलेक्ट आईएएस की तरफ से आप सभी के लिए मुकाबला इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। मुकाबला इनिशिएटिव बेसिकली यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मेंस के आंसर को इवेल्युएट करा सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा आप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार आपको आंसर लिखना है, कैसे आप अपने आंसर्स में क्वालिटी को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस इनिशिएटिव के थ्रू सीख सकते हैं और इसके लिए आप और ज्यादा डिटेल लेने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।